दोस्तों, आप लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर यूज करते होइएगा और उसमें जो है आप लोग मेमोरी कार्ड ज़रूर यूज करते होइएगा। इन फ्यूचर अगर आप मेमोरी कार्ड दुकान में लेने जाते हैं तो आपको मेमोरी कार्ड लेने के टाइम में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको दुकानदार पोपट बना सकता है, आपको ठग सकता है। तो आपको मेमोरी कार्ड लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बातों को जानने के लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज मैं आपको ये सारे डॉट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप दुकानदार से मेमोरी कार्ड लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसको मैं आज आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन और DSLR कैमरा यूज करते हैं तो आप लोग उसमें मेमोरी कार्ड ज़रूर यूज करते होइएगा। आप लोग जानते हैं ये मेमोरी कार्ड जो कितना इम्पोर्टेंट होता है हम सब के लिए। हम लोग बस दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया हमको एक मेमोरी कार्ड दे दो, 2 GB, 4 GB, 6 GB और 16 GB, 32 GB कोई भी चलेगा, हमको एक मेमोरी कार्ड दे दो जो हम अपने जो है ऑडियो वीडियो और इमेज को है इसमें स्टोर कर सके। तो दुकानदार क्या करता है, आप जल्दी में होते हो या आप जल्दी में नहीं होते हो तो आप सिर्फ ये बोलते हो कि भैया हमको 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB मेमोरी दे दो, हमको जो है इसमें फ़ोटो वीडियो और ऑडियो को उसमें रखना है, इमेज को रखना है। तो ऐसे में क्या होता है, दुकानदार ना आपको पोपट बांध देते हैं, उल्लू बांध देते हैं, आपको मेमोरी दे देते हैं और आप जो है नोटिस नहीं करते हैं कि आप जो मेमोरी दिया है वो कहीं लोकल तो नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है। तो ऐसे में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसी को मैं आज आपको डॉट क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग जो जाते हो दुकान पे तो सिर्फ आप लोग मेमोरी की बात करते हैं कि भैया हमको ना 16 GB, 32 GB, 64 GB का मेमोरी दे दो, लेकिन आप कभी नोटिस किया है कि जो मेमोरी पे ये जो डॉट बने होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट बने होते हैं, इसका क्या मायने होता है? कभी आपने क्लास के बारे में सोचा, इस पे जो ये जो है आपको ये क्लास होता है, ये जो आपको टाइप होते हैं इसकी स्पीड क्या है, ये सब आप बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं भैया हमको मेमोरी दे दो, तो मेमोरी तो आपको दे देता है दुकानदार, बट आप जो है आप मेमोरी आपको दे रहा है उसमें क्या क्लास है, क्या टाइप है, इसी क्या स्पीड है, ये सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बस आपको मेमोरी चाहिए, आपका जो फ़ोटो वीडियो ऑडियो उसमें आ जाए, चाहे कितना ही देर में ही क्यों ना आए, बस वो जो है फ़ोटो ऑडियो वीडियो कोई हमें सेंड करे या हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से हम अपने फ़ोटो ऑडियो और वीडियो को जो है अपने मेमोरी कार्ड में सेंड करते हैं तो कितना भी टाइम में आए उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आप जो है दुकानदार आपको पोपट नहीं बना सकता है, आपको फेक मेमोरी कार्ड नहीं दे सकता है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, मैं आज आपको ये सारे डॉट है जो आप मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप जो है स्मार्टफोन चला रहे हैं या DSLR कैमरा चला रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके सारे डॉट क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा मेमोरी कार्ड कौन हो सकता है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो तभी समझ पाएगा इसमें क्या क्या आपको डॉट मिला हुआ है। ये सारे जो डॉट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ये मेमोरी कार्ड के माध्यम से कि ये मेमोरी कार्ड है इसमें क्या होता है। आप 2 GB लेते हैं, 4 GB लेते हैं, 6 GB लेते हैं या आप जो है 32 GB, 16 GB, कितना GB के मेमोरी कार्ड लेते हैं तो आप जो है उसमें क्लास आपको भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्या टाइप है, इसकी स्पीड क्या है, ये सारे के सारे आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप पोपट नहीं बन पाइएगा और दुकानदार से जो है सही मेमोरी कार्ड ले पाइएगा। तो मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल यूज के लिए, क्लास 2 और क्लास 3 के लिए ये आप एंड्रॉयड फोन में यूज कर सकते
सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लेंगे क्लास 4 और क्लास 6 जो है ये आप SD रिकॉर्डिंग अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास जो 10 है यहाँ पर क्लास 10 के लिए आप जो है इसको स्मार्टफोन और DSLR कैमरा के लिए भी आप इस मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास 2, 3 और क्लास 4, 6 और क्लास 10 जो है ये आप जो है आप क्लास 4 और 6 को एंड्रॉयड फ़ोन में यूज कर सकते हैं। आप इससे SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना कि आप फुल SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लास 10 लेते हैं तो यहाँ पे आप जो है फुल SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन में क्लास 10 का यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए आपको जो है फुल SD रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्लास 10 का मेमोरी कार्ड यूज करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन या DSLR कैमरा के लिए आप जो है लेना चाहते हैं मेमोरी कार्ड तो आप जो है यहाँ क्लास 10 वाला मेमोरी कार्ड ले सकते हैं। ये आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन और जो है आपको DSLR कैमरा दोनों में आ जाता है, उसमें यूज होगा। और यहाँ 4 और 6 की बात करें तो आप इससे SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। यहाँ पे SD कार्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास जो है 2, 4, 6 और 10 इस साइड में देख रहे हैं कि स्पीड जो है आपका अगर 2 क्लास का लेते हैं तो 2 MB/s से चलेगा स्पीड जो है। अगर मूव करते हैं कि ऑडियो वीडियो तो यहाँ पे चलेगा। अगर आप 4 लेते हैं या 4 MB/s के हिसाब से जो मूव होगा कोई भी ऑडियो वीडियो और इमेजेस। इसी तरीके से अगर क्लास 6 लेते हैं तो 6 MB/s और अगर 10 लेते हैं तो आप 10 MB/s से कोई फाइल ऑडियो वीडियो जो है वो किसी भी फोल्डर में मूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि UHS क्लास लेते हैं तो यहाँ पे 30 MB/s से यहाँ पे आपको जो है ये जो इस कोई फाइल या कोई ऑडियो वीडियो या कोई भी मूवी जो सेंड करते हैं तो यहाँ पे जो इतने स्पीड से आपको जो है वो मूव होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं क्लास जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन में आप 4-6 क्लास का यूज कर सकते हैं। अगर आप जो है DSLR कैमरा के लिए यूज करते हैं तो क्लास 10 का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम DSLR कैमरा और जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन है उन दोनों में यूज करें तो आप जो बेसिकली आप यहां पे क्लास 10 जो है यूज कर सकते हैं। इससे आप क्या होगा कि आप यहां पे जो फुल SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से 4 और 6 लेते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के लिए तो यहां पे जो है आप SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना कि फुल SD। तो आपको फुल SD रिकॉर्डिंग करना है तो आप क्लास 10 का यूज करेंगे मेमोरी कार्ड का। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और पावरफुल हो सकता है। यहाँ पे SD कार्ड टैप्स की बात करें तो अगर आप 128 MB से 4 GB तक का मेमोरी कार्ड लेते हैं तो उसका जो टैप होता है SDSC मतलब सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी। इसके साथ ही अगर आप 4 GB से 32 GB का मेमोरी कार्ड आप मार्केट से लेते हैं तो उसका जो होता है टैप जो हो जाता है SDHC मतलब सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी। इसके साथ ही अगर आप 64 GB से 2 TB तक का मेमोरी कार्ड लेते हैं तो उसका जो टैप होता है SDXC मतलब सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। अगर आप इनमें से कोई भी मेमोरी जो है परचेज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं या शॉप वाले के पास जाके बोलते हैं कि भैया हमको जो है 4 GB या 32 GB 16 GB 64 GB कुछ भी मेमोरी दे दो तो आप जो इसका टैप जो है वहाँ पर देख लेंगे या वहाँ पर आपको लिखा रहेगा और इसका मतलब आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम जो मेमोरी ले रहे हैं उसमें हमको जो है कौन सा फुल SD जो रिकॉर्डिंग होगा और कौन SD रिकॉर्डिंग होगा। तो आप जो है उसमें जो है क्लास भी देख लीजिए, मैं आपको बता दिया हूँ क्लास का क्या मतलब होता है और टैप का क्या मतलब होता है। तो आप क्लास देख के ले रहे हैं और 4 और 6 टाइप का अगर ले रहे हैं तो आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन में यूज होगा बट उससे आप जो है SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना कि आप फुल SD। अगर उसी तरीके से अगर आप जो है क्लास 10 लेते हैं मेमोरी कार्ड तो आप जो है उससे फुल SD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उससे आप जो है DSLR कैमरा और अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है उन दोनों में जो है क्लास 10 वाला मेमोरी कार्ड जो होता है उसको आप बहुत ही ईजिली यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहा। इससे आप बहुत ही आसानी से ये समझ पाएंगे कि आप जो मार्केट से परचेज कर रहे हैं या ऑनलाइन मंगा रहे हैं वो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो कौन सा टाइप है, कौन सा क्लास है, वो उसका स्पीड क्या है, उसको आप बहुत ही ईजी तरीके से आप जान सकते हैं। गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसको जो सिंबल बने होते हैं उसका क्या मीन्स होता है, क्या मतलब होता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा।